2024 में होने वाले हिप हॉप बीफ की लंबी लिस्ट में किंग वर्सेस एमिवे भी शामिल हो गया और इस बीफ की वजह से लाइमलाइट में आया एक पुराना सा इशू इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का। एंड जैसे हर बीफ में होता है, टीम्स हैव बीन डिवाइडेड। एक हाफ आपको इंडिपेंडेंट होने के फायदे गिना रहा है, वेराज दूसरा हाफ आपको बता रहा है लेबल में जाना कितना अच्छा है। मैं तो नए लोगों के साथ चलते मैं तो आज कल की लड़की को देखती हूँ जो भी मुझसे मिलने आती है, मैं कहते हैं चोले हमें डालो शादी इंडिपेंडेंट। मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल DHH में कोई नया मुद्दा नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी बड़ी और प्रोमिनेंट बीफ्स का अंडरलाइंग इशू इंडिपेंडेंट और लेबल की आइडियोलॉजी ही रही है। आइए नजर डालते हैं मूफाट वर्सेस रागा। दिस हैपेंड बिकॉज मूफाट फर्स्ट गॉट साइन टू आर्टिस्तान एंड देन लेफ्ट इट इन अ कपल ऑफ मंथ्स टू जॉइन DMF। रफ्तार वर्सेस एमिवे जो कि DHH का सबसे बड़ा बीफ रहा है, रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उसके पीछे की अंडरलाइंग रीजन बताते हुए एमिवे ने बोला कि क्योंकि एमिवे ने रफ्तार का लेबल ज्वाइन करने से मना कर दिया था, उस गुस्से में रफ्तार ने एमिवे का मार्केट वैल्यू गिराने के लिए वो बात बोली थी कि एमिवे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। SOS वर्सेस सीधे मौत, फ्रैपे एशन प्रदीप वर्सेस आजादी, किड शॉट वर्सेस कर्मा, ब्रिशव वर्सेस अंकित खन्ना, थोराट वर्सेस बंटा रेकर्ड्स, लिस्ट काफी लंबी है। एंड ये तो हम उन आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जो वोकल रहे हैं, न जाने कितने ऐसे आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स रहे होंगे जो निराश तो हुए लेकिन उन्होंने कोई सीन क्रिएट नहीं किया, चुपचाप अपने काम पे लग गए। हेलो, मेरा नाम है रोहन कारे। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। DHH में इंडी लेबल्स का इतना बुरा हाल क्यों है? लेबल्स में इंटरनली इतने पंगे क्यों होते हैं? एंड फाइनली, किंग और एमिवे की लड़ाई में एक्चुअली सही है कौन? ऑल इन ऑल, व्हिच इज अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर एन आर्टिस्ट, टू गेट साइन और टू स्टे इंडिपेंडेंट? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। स्टे ट्यून्ड क्योंकि वीडियो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम किसी एक लेबल में प्रॉब्लम होती हुई देखते हैं ना, बहुत ज्यादा, वो जनरली इंडिपेंडेंट लेबल्स ही होते हैं। नाउ एन इंडिपेंडेंट लेबल सीम्स लाइक एन ऑक्सीमोरॉनिक फ्रेज कि अरे भाई इंडिपेंडेंट भी है लेबल भी है, बट दैट्स अ लेजिट वर्ड। हम लेबल्स की दुनिया को दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट लेबल एंड दूसरे होते हैं मेजर लेबल्स। मेजर लेबल्स में आते हैं आपके म्यूजिक जायंट्स, टी सीरीज, यूनिवर्सल, वार्नर, सोनी, सारेगामा एटसेट्रा। एंड इंडिपेंडेंट लेबल में आते हैं बंटा रिकॉर्ड्स, कलमकार, गली गैंग एटसेट्रा। ना अंडरस्टैंड अ मेजर लेबल। मेजर लेबल के पास खतरनाक रिसोर्सेज होते हैं, यानी बहुत सारा पैसा, बहुत सारे कनेक्ट्स इन सम वे ऑर द अदर एल्गोरिदम। एंड इसके अलावा इनकी लीगल टीम के लिए अलग से फ्लोर होता है, तो एक इंस्टा लाइव आउटरीच से इनको कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड, इंडिपेंडेंट लेबल्स आर मच मोर रूटेड। उनकी कमाई, उनके रिसोर्सेज, उनके व्यूज, सारी उनकी ऑडियंस होती है। तो एक तरीके से अच्छा भी है कि वो मच मोर रूटेड है एंड ऑडियंस का इंडिपेंडेंट लेबल के साथ कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है। बट इसी वजह से अगर उन पर कुछ एलिगेशंस लगता है तो वो उनको ब्रश ऑफ नहीं कर सकते। दे हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको एलिगेशंस क्लियर करने ही होते हैं। एंड फाइनली, इंडिपेंडेंट लेबल के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स होते हैं। आपके बेसिक क्लियर हो गए, अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नाउ सपोज मैंने अपना एक लेबल खोल लिया है रोहन रिकॉर्ड्स नाम का, इसमें मैंने दो आर्टिस्ट साइन किए, कालू और चेपू। नाउ कालू मेहनत करता है भाई, गाने तो टाइम टू टाइम देता रहता है, लेकिन वो अभी तक ग्रो अप नहीं हो पाया, उसका कोई भी गाना चला नहीं है। Whereas चेपू इज डूइंग रियली रियली वेल। गाने वो कालू जितने दे रहा है लेकिन उसके गाने मिलियंस पार हो रहे हैं, उसको शोज मिल रहे हैं। एंड ऑल इन ऑल, चेपू से कमाए हुए प्रॉफिट्स की वजह से ही मेरा लेबल थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल है। अ क्विक साइड नोट, अगर आपको ये नहीं पता कि लेबल्स आर्टिस्ट से पैसा कैसे कमाते हैं, तो हियर इज अ 1 मिनट क्रैश कोर्स। नाउ लुक एट इट दिस वे, अगर मैं एक लेबल का ओनर हूँ तो मैं एक इन्वेस्टर की तरह हूँ एंड मेरा आर्टिस्ट एक स्टार्टअप की तरह है। नाउ फर्स्ट कम फर्स्ट, मुझे अपने आर्टिस्ट पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। इन दिस केस एग्जाम्पल के तौर पर हम 1 लाख ले लेते हैं। नाउ उस 1 लाख में मेरी और आर्टिस्ट की डील हुई है कि भाई वो गाना बनाएगा एंड उसकी म्यूजिक वीडियो भी तैयार करेगा। देन अगर हमारी ऐसी कोई डील हुई होगी तो मैं थोड़े और पैसे खर्च करूंगा उस गाने की मार्केटिंग, प्रमोशन और प्ले लिस्टिंग करवाने में। तो ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 लाख रुपए उस एक गाने पे, उस एक आर्टिस्ट के एक गाने पे खर्च कर दिए। नाउ ज्यादातर टाइम ये गाना वापस पैसे कमा नहीं पाएगा, लेकिन बाय चांस अगर ये गाना ब्लो अप हो जाता है बिग डॉग्स की तरह, तो इस वजह से मेरे आर्टिस्ट को शोज मिलने लग जाएंगे, उस गानों के सिंक राइट्स बहुत सारे एड्स में जाएंगे, उस गाने से हम यूट्यूब और स्ट्रीमिंग रेवेन्यू भी कमा पाएंगे। एंड उसके अलावा रिएक्शन चैनल के भी तो मैंने पैसे हड़पे हैं ना। जितने भी पैसे बनेंगे पहले मैं अपने 2 लाख रुपए रिकूप कर लूंगा एंड उसके बाद कुछ पैसे, जितने भी प्रॉफिट बन रहे होंगे वो मैं लेबल के लिए रखूंगा एंड कुछ रॉयल्टीज, जिस भी तरीके की मेरी आर्टिस्ट के साथ डील हुई होगी, वो आर्टिस्ट को देता रहूंगा एज द मनी कम्स। नाउ एज द मनी कम्स में आर्टिस्ट के पास कितना आ रहा है वो सब डील के ऊपर है कि आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट पे अपने दस्तखत करते हो, उस पर हम आगे आएंगे थोड़ी देर। खैर, वापस स्टोरी पे आते हैं रोहन रिकॉर्ड्स, कालू और चेपू की। अगर आपको रिकैप चाहिए तो मैं बता देता हूँ, रोहन रिकॉर्ड्स मेरा लेबल है, कालू एक आर्टिस्ट है जो बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन वो ब्लो अप नहीं हो पा रहा है, वेयर एज चेपू मेहनत भी कर रहा है और मिलियंस में भी जा रहे हैं उसके, और उसकी वजह से
लेबल को पैसे मिल रहे हैं थोड़े से और चेपू भी बहुत खुश हैं। नाउ इमेजिन कल दोनों चेपू और कालू अलग अलग टाइम पे मेरे पास आते हैं और बोलते यार रोहन हमने की कैस एल्बम बना दी है एंड हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, तो एज अ लेबल ओनर मैं किसको रिलीज डेट की प्रेफरेंस दूंगा आपके हिसाब से, या फिर एज अ लेबल ओनर किसकी एल्बम पे ज्यादा पैसे या ज्यादा बजट लगाऊंगा आपके हिसाब से? येट अगेन राइट नाउ द आंसर सीम्स प्रीटी क्लियर, ऑब्वियसली चेपू को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए बिकॉज चेपू हिट बंदा है एंड वो मेरे लेबल की फाइनेंशियल कंडीशन सॉर्टेड रखेगा जिससे मैं शायद कालू को कुछ और महीने कुछ और साल सपोर्ट कर पाऊंगा। मेक सेंस? नाउ इसी स्टोरी को कालू के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। नाउ ये है कालू द रैपर, बहुत ही अंडर प्रिविलेज जगह से आता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। एक दिन रोहन रिकॉर्ड्स ने इसको अप्रोच किया एंड इसने वो डील साइन कर दी ये सोच के कि यार मैं तो बहुत अंडर प्रिविलेज जगह से आता हूँ और मेरे पास वीडियो ऑडियो के पैसे नहीं है, लेकिन रोहन रिकॉर्ड्स ने मुझे सपने दिखाए हैं कि ये लोग मुझे पैसे देंगे और ये लोग मुझे एक बड़ा आर्टिस्ट बनाएंगे। अब कालू रात दिन लगा के गाने पे गाने बनाता है लेकिन लेबल उसकी रिलीज डेट पोस्टपोन करता रहता है, और ऐसी बात नहीं है कि लेबल कोई और गाने डाल ले रहा, लेबल डाल रहा है गाने लेकिन सिर्फ चेपू के। नाउ आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कालू को लग रहा है कि यार इससे बेहतर तो वो इंडिपेंडेंट रह जाता। अब कालू थोड़ा साइडलाइन थोड़ा सा हेल्पलेस फील करने लग गया इस लेबल में। नाउ कालू के पर्सपेक्टिव से अगर आप ये स्टोरी सुनो तो आपको लगेगा कि लेबल का जो ओनर है यानी मैं बहुत बड़ा ईविल हूँ, और शायद आपको ये भी लगे कि मैं चेपू की तरफ थोड़ा पार्शल हूँ और कालू का करियर भी जेपरडाइज करना चाहता हूँ। नाउ व्हाट यू जस्ट हर्ड इज द मोस्ट कॉमन रीजन बिहाइंड ऑलमोस्ट एवरी लेबल वर्सेज आर्टिस्ट फाइट। नाउ लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेबल ओनर ने लेबल को पैसे दिए एंड वो हर चीज को पैसे से तोड़ रहा है, जो उसने दिया है वो उसी से तोड़ रहा है, एंड पैसों के मामले में वी ऑल नो चेपू हैज एन अपर हैंड, वेयर एज आर्टिस्ट लेबल को अपनी आर्ट दे रहा है एंड वो हर चीज को आर्ट के नजरिए से नाप रहा है। एंड जैसे आप जानते हैं कालू और चेपू दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल रहे हैं अपने गाने में, तो ऑब्वियसली इस पैरामीटर के हिसाब से आर्टिस्ट चाहेगा कि लेबल कालू और चेपू दोनों को सेम प्रायोरिटी पे रखे, और वहीं जब कालू को दिखेगा कि दूसरे आर्टिस्ट को बड़े चेक्स बड़ी वैनिटी और बड़े शोज मिल रहे हैं तो लाजमी है दुख होना। ये इशू आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली व्हेन वी रीच द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो जहां पे हम डिसाइड करेंगे कि इंडिपेंडेंट बेटर है या लेबल बेटर है या किंग बेटर है या एमयूए बेटर है। नाउ बात करते हैं कि एक आर्टिस्ट एक लेबल को ज्वाइन करता ही क्यों है। नाउ हर लेबल का एक डिफरेंट विजन और एक डिफरेंट प्रोपोजिशन होता है। आपको एक लेबल पसंद आ सकता है क्योंकि मे बी वो आपको मंथली सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो आपको स्टेबिलिटी देती है, या फिर तो आपको एक लेबल पसंद आ रहा है बिकॉज उस लेबल पे आपको ज्यादा व्यूज गारंटीड होते हैं, आपको ज्यादा आईबॉल दे रहा है एज एन आर्टिस्ट, या फिर सिंपली आप एक लेबल की आइडियोलॉजी भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, वो जो विजन लेकर गाने बना रहा है आप उस पर ज्यादा बिलीव रखते हो एंड दैट्स व्हाई यू हैव जॉइन दैट लेबल। नाउ रीजन चाहे कोई भी हो, एक अंडरलाइंग कॉन्स्टेंट रीजन ये जरूर होता है कि आप एज एन आर्टिस्ट अपने पैरों पे खड़े होना चाह रहे हो एंड फुल टाइम म्यूजिशियन बनना चाहते हो। नीडलेस टू से यू वॉन्ट टू बी बिगर देन बिफोर। नाउ एक आर्टिस्ट के ब्लो अप होने का जो इवेंट होता है ना वो बहुत ही एक रैंडम इवेंट होता है, अनलेस आप पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए हो आपको पुश करने के लिए, एंड बिकॉज इट्स सो रैंडम जब तक एक गाना या आर्टिस्ट बुरी तरह फट नहीं जाता, दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट रिमेन्स टू बी अ लॉस मेकिंग एंटिटी फॉर अ लेबल। जी हाँ, वो गाने लेबल को देता है जो कि लेबल के कैटलॉग में रहते हैं, जो कि शायद आगे 5-10 साल बाद लेबल को थोड़ा पैसा कमा के दे दे, बट फॉर नाउ नियर फ्यूचर में लॉस मेकिंग एंटिटी है। लेबल्स को ऑडियो वीडियो पे खर्च करना है, कैमरा क्रू को पे करना है, बैक एंड टीम को पे करना है, ऑपरेशंस के लिए पे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड चलो पॉजिटिव केस सिनेरियो में एक आर्टिस्ट फट जाता है जिसके रेवेन्यू कट से, जो मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था, लेबल का थोड़ा सा पैसा रिकूप होना शुरू हो जाता है। बट यहाँ पे एक और चैलेंज आ जाता है इंडिपेंडेंट लेबल के लिए। नाउ दैट एक आर्टिस्ट उनका फट चुका है, द बिगर शार्क्स आर कीपिंग एन आई ऑन हिम एंड दीज बिगर शार्क्स आर ऑब्वियसली द मेजर लेबल्स। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं एंड ये आपके आर्टिस्ट को ईजिली बाय आउट कर सकते हैं। एंड अब इस आर्टिस्ट को भी लगता है कि यार अब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ एंड आई नीड बिगर शूज टू फिट इन, एंड जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्ट्स टू कंसिडर दिस मेजर लेबल्स ऑप्शन। तो ऑल इन अ लार्ज स्पेस ऑफ टाइम इंडी लेबल्स की हालत क्या रही? जो आर्टिस्ट फट नहीं रहे हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट जैसे ही थोड़ा पॉपुलर हो जाता है उसको बाहर की डील्स मिलने लग जाती है एंड दे फ्लाई आउट। एंड इसी वजह से इंडिपेंडेंट लेबल 2-3-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं आर्टिस्ट से, कि अगर कोई आर्टिस्ट फट भी जाता है तो ये
इंडिपेंडेंट लेबल की सेकी हुई रोटी मेजर लेबल ना खा ले, एंड ब्लो अप होने के बाद भी वो आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट लेबल छोड़ के एकदम से ना चला जाए। नाउ मेजर लेबल्स की लटकती तलवार, स्टैग्नेशन इन ग्रोथ या एनिमोसिटी अमंगस्ट द आर्टिस्ट्स बिकम्स द बिगेस्ट थ्रेट फॉर दीज इंडी लेबल्स। एंड दैट्स वाई आप देखोगे कि किसी भी इंडियन इंडिपेंडेंट लेबल ने बहुत खतरनाक काम नहीं किया है। स्किल वाइज गली गैंग एंड आजादी आर अमेजिंग, बट आजादी डिसॉल्व हो चुका है एंड गली गैंग डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ फैंटास्टिक रोस्टर विथ सुमायोकी, अफकाप, एमसी अल्ताफ एटसेट्रा, aren't been raking the same kind of numbers. But having said that, shout out to Gully Gang for putting up great music one after the other. Now, अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, King versus MAVE and what they had to say about the label versus independent debate. अगर आपको नहीं पता तो ये सारा पंगा स्टार्ट हुआ जब independent versus label debate के बारे में King ने अपने एक podcast में ये बोला। Label और independent वाली भसड़ सबसे बड़ा सर hoax है जो market में फैलाया गया है, just to establish, कुछ artistों ने खुद को establish करने के लिए ये hoax create कर दिया एक side पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा। नहीं, you have to be smart कि आपको कब हाथ मिलाना है और कब आपको अपनी चीज करनी है। It's business, सर, family में भी यही होता है। आप फैमिली में ऐसे लोग देखोगे जो सबके साथ मिल बांट के चलना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अकड़ू होते हैं, बड़े अलग चलते हैं, ठीक है। जो अकड़ू अलग चलते हैं ना, लोग उन पर बिलीव कम करते हैं फैमिली में, और जो सबके साथ मिलके चलते हैं, अच्छे इंटेंट से चलेंगे तो सब खड़े रहेंगे, बुरे इंटेंट से चलेंगे तो इवेंचुअली पता ही लग जाता है। तो इस चीज पे भी मेरा थोड़ा ऐसा ही है। दिस वॉज प्रीटी क्लियरली डायरेक्टेड एट MAVE एंड MAVE रिस्पॉन्डेड क्विकली इन हिज सॉन्ग जब उन्होंने ये बोला, इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं, LOL। जो किंग ने अपने पॉडकास्ट में बोला वो कुछ गलत नहीं था। MAVE ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को ये इमेज एंड आइडेंटिटी जरूर दी है ऑफ बीइंग द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री, इफ नॉट द वर्ल्ड। बट इसमें कोई बुराई नहीं है। सारे आर्टिस्ट अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसे पैरामीटर सेट करते हैं जिसमें वो नंबर वन हो। फॉर एग्जांपल, किंग एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ हिट मशीन विच वाज टोटली बेस्ड ऑन हिज स्ट्रीमिंग नंबर्स, जो मान मेरी जा एंड तू आके देख ली की वजह से काफी इन्फ्लेट हो गई थी। कृष्णाज होल इमेज बिफोर 2022 एटलीस्ट वॉज दैट ही इज एन आउट एंड आउट लिरिकल रैपर जो नंबर्स के पर ध्यान नहीं देता, उनका ध्यान स्किल्स पे फोकस्ड है। और ऐसे ही हर आर्टिस्ट अपनी ऑडियंस को अपने पैरामीटर्स के हिसाब से बताता है कि वो कैसे एकदम बेस्ट है, एंड इसमें कोई खास बुराई लगी नहीं मुझे। व्हाट वाज ऑफ ऑन MAVE's पार्ट वाज टू डीमनाइज अ रेकॉर्ड लेबल एंड द होल आइडिया ऑफ रेकॉर्ड लेबल एंड टू हैव हिज ओन रेकॉर्ड लेबल बंटाई रेकॉर्ड्स, बिकॉज इफ ही इज डिसिंग समवन कॉलिंग देम लेबल का वर्कर, आई really don't know how Bantai Records artists feel about it. Hair, MAVE जो generally arguments देते हैं to defend being independent, वो भी अपने आप में सही है। खुद की मर्जी के मालिक हम, लेबल से हमने तनी तंग हुआ, तू शार्प भाई, तू स्मार्ट बन, सानों के लाला तेरे हो गए ले आग बंद। देखो, सिंपल सी बात है, if you are a popular independent rapper, there is nothing better than that. आपके सारे गानों के राइट्स आपके पास है, आपका खुद का कैटलॉग है, आज से 10 साल बाद अगर कोई डीजे मचाएंगे बजाएगा तो उसके पैसे, उसकी रॉयल्टीज आपके पास थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी। अगर कोई बॉलीवुड डायरेक्टर आपके किसी गाने को अपनी मूवी में फीचर करना चाहता है तो उसके पैसे भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपके हाथ में ये डिसीजन रहेगा कि क्या आप ही वो परफॉर्मर बनना चाहते हैं जो उस गाने को बॉलीवुड मूवी में भी परफॉर्म करेगा, या आप वो राइट्स किसी और को देना चाहते हैं ताकि कोई एक नया मोर एस्टैब्लिश्ड सिंगर परफॉर्म करे एंड आप थोड़े ज़्यादा पैसे रख लें। एंड ओवरऑल आपके एक मैनेजर को छोड़ के ज़्यादा कट्स आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है किसी को। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं किसी लेबल के गंदे से टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दूँ और मेरा कोई गाना बाई चांस पॉपुलर हो जाए तो मेरे गाने को वो किसी से भी गवा सकते हैं, उसमें मेरा से नहीं होगा, उसकी रॉयल्टीज भी मुझे बहुत ही कम आएगी, एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन हाउ बैड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज जिस कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने साइन किए थे। ये कॉपीराइट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वाली ग्रेव मिस्टेक सेज से हुई थी जब उन्होंने मेरी गली में वाले गाने के लिए बीट प्रोड्यूस की थी। उस गाने के राइट्स उनके पास नहीं थे, तो जब गली बॉय ने वो गाना सोनी म्यूजिक से खरीदा तो उसकी रॉयल्टी सेज को मिली ही नहीं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, उस मेरी गली में गाने के प्रेमिस के ऊपर ही एक तरीके से पूरी गली बॉय मूवी बनी थी, तो मुंह मांगी रकम दी होगी सोनी वालों को प्रोडक्शन हाउस ने। खैर, कमिंग बैक टू MAVE ने वो सब कुछ अपने लिए करके दिखाया जो एक लेबल आपको प्रॉमिस करता है कि आपके लिए करके देगा। He's financially sound, still relevant, collaborating with good international artists once in a while, etc. But सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या MAVE एक outlier है? ऐसे कितने सारे artists हैं जो completely independent रहकर इस मकाम तक पहुँच पा रहे हैं? एक simple से data पे नज़र डालते हैं। I analyzed the top 50 most streamed songs in India, and इस पूरे 50 गानों की most streamed songs की list में कितने independent गाने थे? Any guesses? मैं बता देता हूँ।
दो ऐसे गाने थे, सक्सेस रेट ऑफ 4%। ये वन टाइम सक्सेस की बात कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि इनके अगले गाने पे भी ऐसे नंबर्स आएंगे नहीं आएंगे। जस्ट वन टाइम सक्सेस 4%, इट इज मिजरेबल। डेटा छोड़ दो, फीलिंग्स पे बात करते हैं। कितने ऐसे टॉप टीयर बड़े आर्टिस्ट को आप जानते हो, एंड बाय बड़े आई डू नॉट मीन स्किल्स हियर, वी आर जस्ट टॉकिंग नंबर्स। कितने ऐसे टॉप टीयर ए लिस्टर आर्टिस्ट्स हैं जो लेबल से जुड़े हुए नहीं थे कभी भी? यंग स्टनर्स, एमीवे, आई थिंक कूडोस टू देम, बिकॉज उन्होंने वो करके दिखाया जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्टिल रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट। बट अंडरस्टैंड, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में जब आपके पास बहुत कम नाम होना तो उनको आउटलायर्स कंसिडर किया जाता है, एंड आउटलायर्स के बेस पर आप खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज आउटलायर्स आर एक्सेप्शनल केसेस। नाउ एक और स्टोरी के जरिए इसको जानते हैं। नाउ इमेजिन आप एक गरीब फैमिली से हो, आपने यशस्वी जायसवाल की स्ट्रगल वाली वीडियो देखी एंड डिसाइड किया कि अगर ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं, एंड चल दिए उसी राह पर बिना ये देखे हुए कि एक यशस्वी जायसवाल के बनते बनते हजार यशस्वी जायसवाल को रिजेक्ट भी होना पड़ता है। सक्सेस स्टोरीज आर अमेजिंग, एंड जब भी आप सुनते हो आपका दिल बोलता है कि यार शिट, ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। बट एक बार स्टेप बैक एंड रियलाइज कि फेलियर की स्टोरीज आप तक पहुंचती नहीं है। वो सारी फेलियर की स्टोरी कहीं आपको पुराने इनएक्टिव यूट्यूब चैनल्स में, कभी धूल खाते पुराने क्रिकेट किट में, या फिर यूपीएससी के किताबों के ढेर के नीचे मरी पड़ी मिलेगी। बैक टू द टॉपिक, आज की डेट में ये यूट्यूब या बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं रहे जो इंडी आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए बने हैं। जो इन प्लेटफॉर्म्स में एडिटोरियल प्लेलिस्ट होती है, इनके अराउंड स्कैम्स की कहानी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियोज में मिल जाएंगी। YouTube का ट्रेंडिंग सेक्शन नाउ हैज बिकम अ शैम। इवन इंस्टा रील्स, जो कि आई थिंक आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा सॉन्ग डिस्कवरी का मीडियम है, इवन दैट कैन बी मनूवर्ड विद इनफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड ऐसे टाइम पर इट इज ऑब्वियसली एन ईजियर डिसीजन फॉर एन आर्टिस्ट टू ज्वाइन अ लेबल। बट लेबल भी ना ब्लाइंडली ज्वाइन नहीं कर सकते, एंड ये बात दोनों किंग और एमीवे ने अपने पॉडकास्ट और गाने में क्लियरली मेंशन करी है। द डील मस्ट मेक सेंस। What is the label offering you? अगर आप एक बहुत ही established artist है, let's say for example King, तो US tour, crazy collaboration, amazing PR activations are some things you can expect the label to do for you. And आप देखोगे कि joining hands with Warner has really helped King in his journey to stardom. वो मान मेरी जहाँ बहुत ज़्यादा वायरल तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ कितने सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ उसकी रेंडिशंस बनी। ई गॉट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कोलैब्स। उन्होंने लास्ट ईयर एक यूएस टॉर भी अनाउंस किया था, आई डोंट नो वो हुआ या नहीं, बट अनाउंस जरूर किया था। एंड इस डील से इतना सारा जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद कोई कंपल्शन नहीं है कि उसको मरने तक वार्नर के साथ ही रहना है। ही कैन जस्ट वेट फॉर द टर्म टू एंड एंड देन बिकम इंडिपेंडेंट वंस अगेन। इंडिपेंडेंट ही तो हो रहे हैं, वर्जिनिटी थोड़ी ना जा रही है कि कभी वापस नहीं आएगी। इवन रस, जो कि एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रोपोनेंट है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने का, इवन ही ज्वाइन कोलंबिया रिकॉर्ड्स बिकॉज ही वांटेड दैट रेडियो एक्सपोजर, जो कि उस टाइम पर इंडिपेंडेंटली पाना बहुत मुश्किल था, एंड ही साइंड द डील बिकॉज ही न्यू द डील वॉज किक एस। ऑल इन ऑल, टू कंक्लूड, आई वुड लाइक टू मेंशन इट वंस एंड फॉर ऑल कि लेबल वर्सेज इंडिपेंडेंट इज अ होक्स। दोनों ही आर्टिस्ट की मंजिल एक ही है, टू मेक म्यूजिक, टू मेक मनी एंड टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर आपकी आर्ट में दम है एंड अगर एक आर्टिस्ट स्मार्ट है तो वो दोनों तरीके से ये गोल अचीव कर ही लेगा, वरना एक स्टूपिड आर्टिस्ट तो एक घटिया डील साइन करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। अगर आप एक छोटे आर्टिस्ट हैं, अगर आपके पास कोई लेबल की डील आती है तो किसी लॉयर दोस्त को वो डील पढ़ाओ। अगर लॉयर दोस्त नहीं है तो किसी लॉयर को थोड़े बहुत पैसे देकर उसको बोलो कि ये डील पढ़ के मुझे बताए कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या ये डील अच्छी भी है, इससे आपको लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट एज सिंपल एज जस्ट कॉपी पेस्ट दैट डील टू चैट जीपीटी एंड उसको बोलो कि भाई सिंप्लीफाई करके मुझे बता दे। आई वुड स्टिल रेकमेंड यू गोइंग टू अ लॉयर बिकॉज वो एक ह्यूमन एडवाइस देता है, विच इज एनी डे बेटर देन चैट जीपीटी। ये सब इसलिए ताकि लॉन्ग टर्म में अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लूप होल है तो आप उस लूप होल में फंस ना जाए। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप एक इंडिपेंडेंट लेबल ज्वाइन करने वाले हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टार ऑलरेडी है उस लेबल का, तो आप ये एक्सपेक्ट करके जाइए कि आपको सौतेले बेटे वाला ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, अभी नहीं तो 6-7 महीने बाद। एक लेबल के सारे आर्टिस्ट एक पिरामिड फॉर्म में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलमकार के स्टार्टिंग भाग में वो पिरामिड के टॉप पर थे कर्मा, एंड आफ्टर 2-3 ईयर्स व्हेन कृष्णा ब्लू अप, then he reached the pinnacle of that pyramid. Whereas other artists like Mrunal Shankar, Harjas, Brishav were in the background and they
face the brunt. Talking about Harjas, he's a complete case study from an opposite spectrum. क्योंकि वो actually blow up हुए after he left Kalamkar. I remember उन्होंने एक बार Instagram story डाली थी कि कोई भी अगर Harjas को अपने गाने में feature करना चाहता है, the only criteria is for that underground artist to be skillful. And उस दिन के बाद से he has taken all the opportunities and that's why काफी सारे popular गानों में आप Harjas का feature जरूर देखेंगे. कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके future label में जहाँ पे आप जाने की सोच रहे हैं वहाँ पे already एक standout artist मौजूद है तो chances are कि आप उस label को avoid कर सकते हैं. Whereas if a label is in a situation जहाँ पे काफी कुछ चीजें stir हो चुकी है या फिर एक नया label है, बेसिकली किसी भी आर्टिस्ट के पास क्लियर डोमिनेशन नहीं है उस लेबल में, देन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं इन अ वे. एंड ऐसे लेबल में जाने का मतलब है टू गिव योरसेल्फ अ चांस टू बी दैट स्टैंड आउट आर्टिस्ट ऑफ दैट लेबल जो पिरामिड के टॉप पे रहेगा. तो अगर आपने लॉयर से वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा लिया है एंड उस लेबल का कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉयर के हिसाब से सही है, देन आप ऐसे लेबल को कंसिडर कर सकते हैं. ऑल्सो मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंशन करना चाहता हूँ हर यंग आर्टिस्ट के लिए. देखो इंडिपेंडेंट लेबल्स जो हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लेबल प्रोमिनेंट आर्टिस्ट चला रहे हैं, तो नेवर एवर join a label just because आपका favorite artist वो label own करता है या आपका favorite artist उस label में signed है. अगर आप सिर्फ इस standalone reason की वजह से उस label में जा रहे हो या जाना चाह रहे हो, trust me बहुत ही बड़ी बददिमागी वाला decision लेने वाले हो. वो अपने favorite artist से मिलने की खुशी, उनके साथ बैठ के खाना खाने की, discuss करने की खुशी 15-20 दिन में चले जाएगी. उसके बाद आपको label के manager और label के rules के हिसाब से चलना है, जो आपके लिए आगे चल के painful हो सकता है अगर label की functioning और उसका vision सही नहीं हुआ तो. सौ बात की ये बात, अगर आप किसी एक फैन क्लब का हिस्सा हो तो ये लेबल और इंडिपेंडेंट वाली डिबेट आप जारी रख सकते हो. दोनों ही साइड्स को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, एंगेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. बट अगर आप एक जेन्युइन आर्टिस्ट हो जिसका लॉन्ग टर्म गोल एक फैन बनना नहीं है बट एक फुल टाइम म्यूजिशियन बनने का है, तो इस डिबेट को आप अपने रोड मैप की तरह ले सकते हैं. आपको अपनी डेस्टिनेशन पता है, उस डेस्टिनेशन के लिए आपको कौन सा रूट लेना है, कौन सा रूट आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद या फीजिबल रहेगा, उसकी जानकारी भी आपको है. आपके परिवार को पैसों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एंड कितनी अर्जेंटली ज़रूरत है ये आपको पता है. आपको म्यूजिक में हासिल करने के लिए आपकी फैमिली ने कितना टाइम एलोकेट किया है ये आपको पता है. अगर आपके पास एक सेट अमाउंट ऑफ पैसे हो जिससे आप या तो फिर 100 ऑडियोज अपने यूट्यूब पर डाल सकते हैं या फिर एक बहुत ही तोड़ू म्यूजिक वीडियो के साथ एक गाना अपलोड कर सकते हैं, तो इन दोनों अल्टरनेटिव्स में से आप कौन सा चूज करेंगे ये आपको पता है. ये तो कुछ सवाल है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सबके लिए अलग अलग होंगे. तो इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल में आपके लिए कौन सा सही है उसका आंसर एक तो हो नहीं सकता. एंड इंडिपेंडेंट या लेबल पर्सन टू पर्सन भी डिफर नहीं करती है. एक पर्सन अभी अपनी लाइफ में कौन से स्टेज पे पहुंचा है उस पर भी डिपेंड करती है. तो मैं आखिर में फिर से दोहराना चाहूँगा, अपनी लाइफ सिचुएशन को इवैल्यूएट करो, लेबल की डील कैसी आई है उसको इवैल्यूएट करो, लेबल को इवैल्यूएट करो, अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करो एंड उसके बाद डिसीजन लो लेबल वर्सेस इंडिपेंडेंट वाला. एंड फाइनली लेट मी रिपीट इट वन लास्ट टाइम फॉर यू, किसी भी पेपर पर दस्तखत करने से पहले किसी एक जानकार की सलाह जरूर ले लेना, वो जानकार लॉयर हो तो प्रेफरेबल है. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू कैन लाइक और डिसलाइक दिस वीडियो, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज @RoHANCARIAPPA. आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू ऑल जिन्होंने भी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह सपोर्ट किया, यू नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. उस इंसिडेंट के, उस बड़े सेटबैक के बाद पहली वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, SKD वाली वीडियो उससे पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी. आने में थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज एडिट में थोड़ा टाइम लगा. दैट्स प्रीटी मच इट. दिस इज रोहन कारेपा साइनिंग ऑफ. पति पूछे साई गड़ी गड़ी जदक किधर, करे वाला स्पीकर चाहिए हरी हरी स्पिनच, स्कीम देखे खटी अभी बाकी ना, मेरे टू साइड्स ऑफ अ स्टोरी, मेरा सेम मिरर इमेज, यू आर डाई, मेरा भाई टू डेड देखे फिनिश, पैसा घर से कमाए, बिजनेस पैंडेमिक लेवल, किसके बाप का नहीं खाना, जब माय शैलो पॉकेट ही संभाल सकती मोर विशेस.